बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब इंफॉर्मेशन में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। जनरल नॉलेज पाकिस्तान के सवालात और पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस की तरफ से जो पेपर्स हैं, प्रीवियस पेपर, वो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा और उसमें जो सवालात पूछे गए हैं वो सोल्व क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों आप इन सवालात की तैयारी कर लें। ये सवालात भी जो है पीटीएस पूछती है और बार बार रिपीटेड होते हैं ये सवालात, तो आप लोगों को इन पेपर्स में जो है आसानी होगी आपका जो रिटर्न टेस्ट होगा उसके अंदर। तो जो उम्मीदवार जो रिटर्न देने वाले हैं वो तैयारी करें, इंशाल्लाह आपका रिटर्न होगा और आप जो है कामयाबी के साथ अपना रिटर्न पास कर लेंगे। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको तमाम अपडेट मेरे चैनल के थ्रू बआसानी मिल सके। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं उर्दू का सवाल है, ये साबिका पी टी एस पेपर है। इसके अंदर सवाल किया गया संसान का मुतजाद लफ्ज़ कौन सा है, तो इसका आंसर है आबाद। उसके बाद भटक का सही जुमला कौन सा है, तो इसका आंसर है वो रास्ते से भटक गया इसलिए देर से पहुंचा, इसका सही जुमला ये है। इस तरह के सवालात भी पीटीएस में आते हैं और ये पेपर है आप लोग देख सकते हैं। महफिल का मुतरादिफ़ लफ्ज़ कौन सा है, तो इसका लफ्ज़ मुतरादिफ़ है बज़म। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर आपको मज़ीद पेपर दिखा रहा हूँ पीटीएस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्स इशार का क्या मतलब है, तो इशार का मतलब है कुर्बानी, किसी के लिए कुर्बानी देना। महावर कितने अल्फाज से मिलकर बनता है, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बनता है महावरा। उसके बाद है मुसाफत को दर्जा ज़ेल में से किस जुमले में सही इस्तेमाल किया गया है, तो चार ऑप्शन है उसके अंदर से फर्स्ट वाला है वो बहुत लंबी मुसाफत तय करके घर पहुंचा। दोस्तों ये दिखाने का मतलब ये है कि यही क्वेश्चन वापस रिपीटेड होते हैं इसमें से, तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आए तो आपको आसानी होगी। सूफिया का वाहिद क्या है, तो इसका वाहिद है सूफ़ी। उसके बाद बदबख्त का मुतजाद क्या है, बदबख्त का मुतजाद है खुशकिस्मत। तो उसके बाद दोस्तों मज़ीद क्वेश्चन आपको इस्लामियत के दिखा रहा हूँ, इस्लामियत के हैं ये क्वेश्चन, पीटीएस का पेपर है जो सिंध पुलिस में पूछा गया है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ, प्रेयर नमाज है। उसके बाद बिफोर इस्लाम मोस्ट ऑफ द अरब वर्शिप आइडियल्स जो है थे। उसके बाद जो है द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ अल्लाह इस जो फर्स्ट पहले नबी थे, पहले पैगंबर थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। उसके बाद द होली प्रॉफिट वाज़ बोर्न इन द मंथ ऑफ रबी अव्वल के महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी। उसके बाद हु फ्रॉम द फॉलोइंग सेव्ड द लाइफ ऑफ होली प्रॉफिट इन द बैटल ऑफ ओहद, तो हज़रत तलहा बिन उबैदुल्ला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रोटेक्ट किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, मैं मज़ीद क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप ये क्वेश्चन याद कर लें आपके पेपर में आसानी होगी। पाकिस्तानी खातून जिसने जनरल अयूब खान के ख़िलाफ़ सदारती इलेक्शन लड़ा, नाम बताएं। फ़ातिमा जिना, मुहतरमा फ़ातिमा जिना थी। दुनिया में पहला बैंक कहाँ कायम हुआ, इसका आंसर है इटली। पाकिस्तान को सबसे पहले किस मुल्क ने तस्लीम किया, इसका आंसर है ईरान। पैगंबरों की सरजमीन किस मुल्क को कहते हैं, इसका आंसर है फ़लस्तीन। निज़ाम शमसी का में कुल कितने सितारे हैं, एक सूरज, यह आंसर है इसका। लंदन के मशहूर पार्क का नाम जहां हुकूमत के ख़िलाफ़ तकरीरें की जाती हैं, हाइट पार्क है इसका आंसर। कौन सा सितारा जो अपनी जगह नहीं बदलता, कुतबी सितारा इसका आंसर है। सूरज और इसके सैयारों के निज़ाम को क्या कहते हैं, निज़ाम शमसी कहते हैं। पाकिस्तान का मेमार अव्वल किसे कहते हैं, सर सैयद अहमद खान को कहते हैं। भाप के इंजन का मौजूद कौन है, जेम्स वाट इसका आंसर है। थर्मामीटर किसने ईजाद किया, तो थर्मामीटर गैलीलियो ने ईजाद किया, यह आंसर है। इंसानी जिस्म में इंसुलिन कौन सा अज़ू पैदा करता है, इसका आंसर है लबलबा। तो दोस्तों मैं इस तरह के मज़ीद आप लोगों तक सवालात पहुंचाता रहूँगा आप लोगों के रिटर्न टेस्ट की तैयारी के हवाले से, मज़ीद पेपर्स के साथ और मज़ीद अपडेट के साथ दोबारा आऊँगा। जब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।